मेट्रो शहरना टॉप 9 न्यूज पर अमदावाद गाटलोडिया कार्यालय खाते सीएम उपेन्द्र पटेले कार्यकरो ने मळवा पहोंच्या हता। गाटलोडिया कार्यालय खाते कार्यकरो ने वच्चे बेसी मुख्यप्रधान ने बातचीत करी तो संगठन ना पदाधिकारी साथे पर चर्चा करी पोताना मत विस्तार गाटलोडिया कार्यालय खाते मुख्यप्रधान ने लोको साथे पर बात करी। गुजरात सरकार आगामी समय में खिलाड़ियों माटे प्रोत्साहक नवी स्पोर्ट्स पॉलिसी की जाहेरात करशे। राज्यना गृहप्रधान हर्ष संघवीए कहूं कि रमतगमत क्षेत्रे सुधारा करवा माटे अधिकारियों ने एक खास कमिटी की रचना करी छे। राज्य सरकार की नवी पॉलिसी में खिलाड़ियों ने सीधो ज लाभ मळशे। राज्य सरकार नडियाद में बनावेला सेंटर ऑफ एक्सिलेंस जेवा सेंटरो अने जिला अने महानगरो में पण बनावामां आवशे। हुंडाई पाकिस्तानना डिस्ट्रीब्यूटरे काश्मीर पर विवादास्पद ट्वीट ने लईने अमदावाद सूरत में बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं जेमां पंचवटी पासे केएफसी पिज्जा हट अने हुंडाई ने ताळाबंदी करवामां आवी हती। सूरत में विश्व हिंदू परिषद अने बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं। राजकोट बाद हवे सूरत पोलीस पण तोड़ करायो होवानो आक्षेप थयो छे। पोलीसे बिल्डर ने खोटी फरियाद नी धमकी आपी लाखों नो तोड़ कर्यो होवानो आरोप लाग्यो। अडाजणना बिल्डर गोविंद चासियानो आरोप छे कि वर्ष 2016 मां शहेरना झोन 4 ना डीसीपी बाबोरी डी स्टाफना कर्मचारीओने तेमनी ऑफिस मां मोकल्या अने करोड़ रूपया मांगी लाखों नो तोड़ कर्यो। राजकोटमां क्राइम ब्रांच पर आक्षेप लाग्या छे। कुमार कुंभारवाड़िया नामना व्यक्तिए क्राइम ब्रांचना अधिकारीओ पर गंभीर आक्षेप लगाव्या। तेना कहेवा मुजब टोलेरा गामनी कीमती जमीनने लईने क्राइम ब्रांचना लोकोए तेने काळा कलरनी कारमां लई गया हता, साथे कमिश्नर पर आरोप लगाव्या छे। कुमारना कहेवा प्रमाणे तेमनो जमीनने लईने केस चाली रह्यो छे, तेमां गाड़ीमां लई जई धमकी आपी साटाखद रद कराव्या हता। राजकोट पोलीस कथित कमीशन कांड बाद क्राइम ब्रांचना पीएसआई उपेन्द्र जोगराणानी बदली अमदावाद ग्राम्यमां करवामां आवी। पीएसआई उपेन्द्र जोगराणानी जग्याए थोराडना पीएसआई जी एस गढ़वीनी निमणूक करवामां आवी छे। राजकोट पाणी पुरवठा अने गटर व्यवस्था बोर्डना नायब कार्यपालक इजनेर लांच लेता झड़पाई गया। राजकोट एसीबीए ट्रेप गोठवीने एरपोर्ट रोड पर फाटक पासेथी संदीप जोशीने झड़पी लीधा। કેનેડામાં અભ્યાસ કરતા કેટલાક ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર પ્રશ્નાર્થ મુકાયો છે ત્યારે આ અંગે રાજ્યના મહેસૂલ પ્રધાન રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ નિવેદન આપ્યું। વડોદરામાં કહ્યું કે કેનેડામાં ગુજરાતી વિદ્યાર્થી ફસાયા હોય તેવી કોઈ જ ફરિયાદ અત્યાર સુધી નથી મળી, જો ફરિયાદ મળશે તો રાજ્ય સરકાર યોગ્ય કાર્યવાહી કરશે। સુરતમાં હિજાબ વિવાદ મુદ્દે આયોજિત કરવામાં આવેલી રેલી રદ કરવામાં આવી। ચોક બજાર મુગલીસરા રોડ પર કેટલીક મહિલા ભેગી થતા અટકાયત કરવામાં આવી। પોલીસે લગભગ 20 જેટલી મહિલાઓની અટકાયત કરી હતી, જેને લઈ હિજાબની રેલી પણ રદ કરી દેવામાં આવી હતી।